नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल बीट द रस पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे न्यूज के बारे में जो शायद से सेंसेक्स और निफ्टी को गिराने वाला है, क्योंकि हम सभी जानते हैं पिछले कुछ दिनों में निफ्टी हो या सेंसेक्स हो ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन जो अक्रॉस द ग्लोब न्यूज आ रहा है उससे लगता है कि आने वाले समय में लोगों को थोड़ा सा कॉशन बरतना चाहिए और अपने पैसे को थोड़ा सा बचा के रखना चाहिए। हो सकता है आने वाले टाइम में मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिले। वैसे देखा जाए तो पिछले दो तीन दिनों में एक दिन करेक्शन देखने को मिला, लेकिन ये करेक्शन उस लेवल का नहीं था और मार्केट जो अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है वहां पे एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आपके पास अगर जो भी फंड अवेलेबल है उसको इस लेवल पे एटलीस्ट आप इन्वेस्ट करने के बारे में या ट्रेड करने के बारे में ना सोचें, क्योंकि एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बुरे न्यूज अक्रॉस द ग्लोब आ रहे हैं जिसकी वजह से सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट आ सकती है। दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि आनंद राठी जो कि एक मार्केट एक्सपर्ट है वो लिख रहे हैं कि कमिंग वीक लाइकली टू बी मोर वोलेटाइल, अवॉइड एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन इन बैंक निफ्टी। इन्होंने तो केवल बैंक निफ्टी को लेकर बात की है, क्योंकि बैंक निफ्टी पिछले कुछ दिनों में काफी बढ़ा है और काफी ग्रोथ दिखाया है। इसके अलावा जो और मेजर रीजंस हो सकते हैं सेंसेक्स और निफ्टी को डाउन करने के पीछे वो ये है कि अक्रॉस द ग्लोब कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और WHO ने चेताया है कि हो सकता है आने वाले टाइम यानी जनवरी फरवरी में कोरोना के तीसरी लहर को देखा जाए। साथ ही हम ये भी बोल सकते हैं कि मेडिसिन और ट्रीटमेंट का भी पॉसिबिलिटी बढ़ा है, वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल होने वाला है जनवरी फरवरी तक, ऐसा एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। फिर भी ये एक चिंताजनक विषय है पूरे ग्लोब के लिए। यूरोप में तो बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि अक्रॉस द ग्लोब कोरोना के केसेस बहुत ही रैपिडली बढ़ रहे हैं और WHO ने चेताया है कि अभी सेकेंड लहर चल रहा है, यूरोप हो या अमेरिका हो, वहीं पे डेथ परसेंटेज भी बढ़ा है। बेसिकली इसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड के मार्केट पे पड़ेगा और जब पूरे वर्ल्ड के मार्केट पे पड़ेगा तो निफ्टी और सेंसेक्स भी उससे अधूरा नहीं रहेगा। अगर हम इंडिया के केवल बात करें तो हम देख रहे हैं कि दिल्ली में करीब तीसरी लहर चल रही है कोरोना के और बहुत सारे नए केसेस आने चालू हो गए, जिसको लेकर गवर्नमेंट भी काफी कॉशस हो चुकी है कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। इसके अलावा पिछले दिनों हम देखें तो मध्य प्रदेश के कुछ शहर हो और चाहे गुजरात के कुछ शहर हो, वहां रात में अभी लॉकडाउन जैसा प्रावधान लाया गया है यानी कर्फ्यू लगाया गया है। हो सकता है आने वाले टाइम में बहुत सारे सिटीज में फिर से लॉकडाउन लगाया जाए या कर्फ्यू लगा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में अब गंभीर रूप में आ रहा है कोरोना। भर्ती मरीजों में 20 से 25% ICU में यानी पहले के जो कोरोना केसेस थे उससे ज्यादा खतरनाक रूप में अब नए केसेस आ रहा है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो या कुछ और स्टेट, वो अपने स्टेट के कुछ सिटीज में अब कर्फ्यू लगाते जा रहे हैं क्योंकि वो कोरोना को कंट्रोल करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो देख सकते हैं कि कोरोना से निपटने के लिए केंद्र ने कसी कमर, यूपी, पंजाब और हिमाचल भेजी गई हाई लेवल टीमें, यानी हर तरफ गवर्नमेंट अपने हिसाब से ट्राई कर रही है कि कैसे इस केसेस को कम किया जाए। जो कोरोना में एक स्टेबिलिटी दिख रही थी, करीब 40,000 के आसपास केसेस आ रहे थे, वो अचानक से फिर से 45-46,000 केसेस होने लगे हैं। केसेस अगर ऐसे ही अक्रॉस द ग्लोब बढ़ते रहे तो निश्चित ही गवर्नमेंट चाहे इंडिया की हो या बाहर की हो कड़े कदम उठाएगी, जैसे कि स्पेशलाइज एरिया में लॉकडाउन या कर्फ्यू जैसे हालात हो जाएंगे और जब ऐसा सीन बनेगा तो निश्चित ही मार्केट में लिक्विडिटी की कमी होगी, बिजनेसेस हैम्पर होंगे और फिर उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे भी पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप नया इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके पहले सोचे और थोड़ा सा प्रिकॉशन बरते, ताकि जब मार्केट डाउन हो तो जो आपके पास बैलेंस या फंड अवेलेबल है उसको आप इन्वेस्ट करके थोड़ा ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके। आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपनों के साथ शेयर करना ना भूलें, साथ ही लाइक भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।